YouTube guys, कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Hitman 2. अब आप सभी लोग को बताओ क्या लास्ट एपिसोड में एजेंट 47 गया था अमेरिका की मायामी सिटी में, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही तगड़ी फॉर्मूला 1 रेसिंग चल रही थी और वहां पर हमें एक रेसर गर्ल को मारना था और उसके फादर को मारना था. तो हमने दो लोग को तो वहां पर काफी आसानी से मार दिया था. फिलहाल अभी एजेंट 47 आया हुआ है कोलंबिया में. अब यहां पर ना कोलंबिया में एकदम जंगल सा है, काफी खतरनाक फॉरेस्ट है और इसके बीच में ना तीन लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर अपना ड्रग डीलिंग का बिजनेस चला रहे हैं और वो भाई बहुत अमीर है और तीनों ही लोगों ने ना बहुत ही तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड लगा रखे अपने घरों के बाहर. अब यहां पर एजेंट 47 उन तीनों को खत्म करने आया है और उनका जो धंधा है, जो ड्रग डीलिंग का है, मतलब कि जितना वो ड्रग्स यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारा का सारा धंधा उनका खत्म करना है उनको मार के. अब ये जो आप बंदा देख पा रहे हो, ये है रिको डेलगाडो, मतलब यहां का हेड है एक टाइप से आप मान सकते हो. और ये जो लड़की है, ये इसके नीचे काम करती है, ये है एंड्रिया मार्टिनेज. और तीसरा बंदा भी अभी यहां पर हमें दिखेगा, एक सेकंड रुक जाओ. तो ये देखो, ये यहां पर ना इसी तरीके से बंदों को अपने नीचे रखता है, काम करवा के मार देता है, तो इसे खत्म करना है. और ये है एंड्रिया मार्टिनेज जो कि इसी के साथ काम करते हैं, मतलब इन तीनों लोग का ना पूरा का पूरा टीम है एक टाइप से. और ये है तीसरा बंदा जो कि मेन ड्रग को, मतलब कि जो बनाता है ना, मेन डेवलपमेंट का काम है वो इस बंदे का, और इस बंदे का नाम है होरे फ्रैंको. तो अभी हमें तीन बंदों को मारना है, मतलब कि अभी तक हम दो दो बंदों को मारते थे बट आज कोलंबिया में हमें तीन लोग को मारना है. पहला बंदा है रिको डेलगाडो, दूसरा है होरे फ्रैंको और तीसरा है एंड्रिया मार्टिनेज. अब ये जो आप जगह देख पा रहे हो भाई, जगह तो बहुत ज्यादा तगड़ी है कोलंबिया की, मतलब एकदम फुल सैनोक मैप देखा होगा अपने पबजी में उसी टाइप का. और मौसम भी काफी बारिश वाला हो रखा है, वो तो कुछ गलत ही लेवल का मौसम हो रखा है. और पीछे की तरफ एक ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है, जैसा अपने दिल्ली में चलते हैं. बाकी तो अभी आगे चलकर देखते हैं, मैं सबसे पहले जाना क्या है, करना क्या है. ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा जो 47 है काफी एकदम मस्त, एकदम फुल गंजा वंजा होकर आ रखा है. तो अभी ना पहले स्टोरी पता करनी पड़ेगी, यहाँ पर ना किसी दो तीन लोग की ना बातें सुननी पड़ेगी, क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना बातें सुन के काफी कुछ क्ल्यू मिल जाते हैं. ओके, तो पीछे की तरफ एक रास्ता जा रहे हैं, रिवर देखो भाई सब कितनी अच्छी रिवर लग रही है. ओके, तो यहाँ पर नीचे दो लोग ये तो फिलहाल बातें नहीं कर रहे, अपना फिशिंग कर रहे हैं. और ये बंदा एक आगे की तरफ में जा रहा है. ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने अपना कुछ टेंपल टाइप बना रखा है. तो भी यार चलो यार आगे की तरफ में चलते हैं. और ये जो जगह है ना यार, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है. ओके, तो आगे की तरफ में हमें क्ल्यू मिला है और यहाँ पर ये दो लोग ना खड़े होकर अपना बात कर रहे हैं. देखते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं. एक्चुअली ये ना मेरे को ना थोड़े बहुत टूरिस्ट लग रहे हैं. ओके, तो हाँ ये लोग ना टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूमने आए हैं. और बातें क्या कर रहे हैं, इनकी बातें सुननी पड़ेगी. तो भाई यहाँ पर हमें इनके बारे में तो पता चल गया. तो इन लोग का कहना है कि ना जो रिको डेलगाडो है ना, इसकी वाइफ ने ना एक बंदे को बुलाया जो कि टैटू आर्टिस्ट है. अब उस टैटू आर्टिस्ट ने ना पहले उस लड़की के टैटू बनाया था, तो उस लड़की को वो टैटू ना बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा कि वही सेम टैटू ना मेरे हस्बैंड के भी आकर बना दो सेम टू सेम. अब पता नहीं भाई साहब कैसा सा टैटू है. तो अगर हम उस रिको डेलगाडो का, मतलब कि जो उसे टैटू बनाने आया टैटू आर्टिस्ट जिसका नाम पी पावर है, पॉल पावर उसका नाम है, अगर हम उसको मार के उसकी जगह ले ले तो हम रिको डेलगाडो तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां पर चलकर देखेंगे रिको डेलगाडो को हमें कैसे मारना है. तो चलो यार, सबसे पहला जो है अपने को मिल चुका है कि रिको डेलगाडो तक कैसे पहुंचना है. अब यहां पर आगे की तरफ ना कुछ आ तो रहा है. ओके, तो शायद ना पी पावर वहीं पर है. अब भाई पी पावर जो है ना, मतलब कि लग रहा है कुछ खतरनाक ही टैटू आर्टिस्ट है. वहीं पर चलकर देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है. और यहां पर ये जो जगह है ना भाई, मतलब कि इस टाइप की जगह मैं पहली बार ही देख रहा हूं भाई किसी गेम में भी, मतलब कि रियल लाइफ में तो कभी ऐसी जगह देखी नहीं. बट यार देखो यार, मतलब क्या नेचर है भाई यहां का, अलग ही ब्यूटी है. अब यहां पर सामने एक स्कूटी खड़ी है और इधर की तरफ में एक बियर शॉप है. ओके, तो ये एक बियर शॉप है, जाना कहां पर है. यहां पर कुछ बंदे अपना बैठे हुए हैं. ओके, तो ये है वो पी पावर. ओके, तो शायद से ओके, तो यही है वो पी पावर, इसका नाम है पॉल पावर्स. ओके, तो यहां पर एक करना क्या है. तो ये जो बंदा ना यहां पर अपना फुल ना बियर पीने में मस्त हो रखा है और ना ये एक घुट बियर पीता है और फिर बाहर चले जाता है, फिर वापस अंदर आता है, फिर बियर पीता है. अगर हम इसकी बियर में कुछ मिला देंगे ना तो भाई इसका कंफर्म पेट खराब होगा या फिर ये बेहोश हो सकता है. तो यहां पर हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा. और ये जो इसकी बियर है इसके अंदर, ओके, तो हमें यहां पर ना जैसे करके इसकी बियर में पॉइजन डालना है. तो यार इसकी शॉप में तो फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सिर्फ बियर है. ओ, बाहर तो काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन यार यहां पर कोई भी काम का सामान नहीं है. अब यहां पर ये क्या है. ओके, तो फ्यूज बॉक्स है. अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो वो जो बियर बार का, मतलब जो बंदा, ओ देखा तो नहीं इसने, तो पहले मैं यहां पर छुप जाता हूं. अब ये जो बंदा ना फ्यूज बॉक्स को ऑन करने बाहर आएगा और मैं इसको मार के पहले इसकी ड्रेस लूंगा, ताकि जो सामने वाला बंदा यानी कि पॉल है उसको ये लगे कि मैं ही यहाँ का बियर बार का मैनेजर हूँ, मतलब कि शॉपकीपर हूँ. ओके, तो ये ऑन करने आया और सही टाइम देख के ना मुझे इसे मार देना है. तो कोई आ तो नहीं रहा ना. ओके, तो मेरे को तो लगता कोई आ रहा है. इधर आ तेरी भैंस की टांग साले, तू कहीं का प्रधानमंत्री. अरे भैया एक सेकंड, इसने देखा तो नहीं. ओके, तो सामने की तरफ में एक बंदा तो आके खड़ा हो गया. मैं इसे थोड़ा ना साइड कर देता हूँ. मेरे हिसाब से तो उसने नहीं देखा, अगर देख लेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. इसकी बॉडी ना फटाफट इसके अंदर डंप कर देता हूँ. लेकिन मैंने पता दिक्कत क्या करी है यहाँ पर ना, मैंने एक सेकंड रुक जाओ. ओके, तो यहाँ पर एक की थी, मैं एक की उठा लेता हूँ पहले. तो चलो ठीक है. अब यहाँ पर इस की को लेकर जाना कहाँ है. एक तो ना पहले मैं नॉर्मल बंदा बन जाता हूँ ताकि किसी को शक ना हो. अंदर की तरफ में चलकर देखते हैं क्या सीन है. अरे गेट खोलो भैया, की से ही वाला गेट खुल जाएगा. चलो ठीक है.
तो अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे की भी उठा ली। ओके तो अभी हम नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर ये बंदे, ओ ये लोग मेरे पे शक कर रहे हैं। शिट 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 शिट, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा भाई साहब, गलत सीन हो गया, मेरे को इसके अंदर छुपना पड़ेगा। मैं इसकी ड्रेस ले लेता हूँ। ओके तो अभी तो गड़बड़ हो जाती है, मैं इसकी ड्रेस ले लूंगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके तो यहाँ पर मैंने इस बंदे की ड्रेस ले लिया, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम इस बियर बार के ही मतलब कि शॉपकीपर बन चुके हैं। अरे भाई साहब पता नहीं कौन बंदा था ऊपर की तरफ भाग के गया, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पर ये लोग मेरे पे शक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मुझे ना जहर ढूंढना है। ओके तो पीछे, ओ ये क्या पड़ा है। ओके तो यहाँ पर, ओ गाइस यही है पॉइजन, रेड पॉइजन हमें मिल गया है। अब ये जो पॉइजन है ना, मैं उसकी बोतल के अंदर मिलाना है और ये बेचारे उस बंदे को ढूंढ रहा है जो कि यहाँ से भाग कर गया था, लेकिन ये एकदम गधैया पहचान नहीं पा रही। लेकिन ये ज़्यादा देर तक मेरी शक्ल देखेंगे ना तो मेरे को पहचान जाएंगे, तो मेरे को थोड़ा ना इनसे दूर रहना पड़ेगा। अब जैसे पी पावर यहाँ से पीछे की तरफ में जाएगा ना, मैं फटाफट से इसकी बोतल के अंदर मिला दूंगा ये रेड पॉइजन, और फिर भैया इसका पेट खराब होगा, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओके भाई ये क्या बंदा है, कह रहा है कि वो जो रिको डेलगाडो है सबसे ज़्यादा खतरनाक बंदा है इस कंट्री का, और अगर मैं उसे टैटू थोड़ा बहुत भी गलत बना दूंगा तो मुझे कन्फर्म मार देगा। तो भाई ये जल्दी से यहाँ पर जैसे बियर की एक घुट मार के बाहर जाएगा ना, और जैसी फिर हमें ना तुरंत इसके में राइट पॉइजन मिलाना है, और जैसे दोबारा पीने आएगा तो इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओके तो भैया जल्दी से बोतल लग के यहाँ से निकल जा, अब मेरे को लग रहा है कि पीछे जाने वाला है, जैसा कि मैंने कहा था वही हुआ। अब फटाफट चल के इसकी बियर के अंदर हम मिला देते हैं ये रैट पॉइजन, और फिर इसका पेट कंफर्म खराब होगा, और जैसी पेट खराब होगा वैसे हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ओके तो यहाँ पर हमने माल पानी जो है वो तो मिला दिया है, और फटाफट से ना वापस आया और अपनी बियर का एक घुट और मार लिया। पता नहीं यार किससे फ़ोन पर बात करने गया बाहर, बट जो भी है जल्दी से आ भाई, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। ओके तो ये बाहर की तरफ में आ चुका है, अब देखते हैं क्या करता है। ओहो बियर तो इसने उठा लिया फिलहाल। अब जैसे एक घुट मारेगा ना भाई, इसके मुंह में सीधा जहर जाने वाला है। ओके तो इस टाइम इसके मुंह में पूरा पूरा जहर जा चुका है, इसके कुछ हुआ नहीं भाई। ओ हेलो, ओके ओके हुआ 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 गया भाई, ये गया, कुछ तो हो रहा है इसके पेट में, पता नहीं। ओ गया गया पता नहीं, ओए कहाँ जा रहा है ये, मेरे को लगा बाहर बाहर जाएगा कहीं घास वास में जाकर लेटेगा, लेकिन ये बंदा तो ओके तो ये सामने टॉयलेट है, चलो ठीक है, काफ़ी समझदार बंदा है। ओके तो पहले इस गेट को हम बंद कर लेते हैं। ओए अंदर को देख रहे हो भाई साहब जी आप, मैं इस पहले ना गेट को बंद करता। अरे भैया उल्टी कर दी तुम्हारी, ऐसी की तैसी मारू से, चल अंदर चलो बेटा, तुम जहाँ उल्टी कर रहे हो थोड़ा स्वाद लो, स्वाद लो भाई, ऐसे मारने में मजा ही अलग है। अब यहाँ पर इसको तो फिलहाल बहुत ही बुरे वाला मारा है, लेकिन मैं इसकी बॉडी अगर यहाँ पर छोड़ दूंगा दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले ना हमें इसकी ड्रेस चाहिए, ताकि हम अब बंदों को ना लगे कि हम जो टैटू आर्टिस्ट है वो मैं ही हूँ, अब क्योंकि टैटू आर्टिस्ट को तो हमने मार दिया। अब यहाँ पर फटाफट ना इसकी जो बॉडी है मैं इसको यहाँ पर टिका देता हूँ, चल बेटा उस पार चलो, फटाफट से नंगा पुंगा कर दिया भैया इसको तो यहाँ पर। अब हम भी उस पार निकल लेते हैं, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊँगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो भी कहेगा यार अंदर दो बंदे गए थे बाहर एक बंदा निकल रहा। ओके तो यहाँ पर इसकी बॉडी ना मैं इसके अंदर डंप कर सकता हूँ, चलो भाई फटाफट। ओके तो यहाँ पर क्या सीन हो चुका है कि हमने इसकी बॉडी भी अंदर डंप कर दिया, और पिछले वाला जो बंदा था जो कि बार का वो था उसकी भी बॉडी डंप कर दिया, तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फटाफट चलना है रिको डेलगाडो के घर में। तो यहाँ पर यार अभी ना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और ये जो जगह है ना यार कसम से मेरे को जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, कुछ अच्छा लगे ना लगे। और यहाँ पर सामने काफ़ी बढ़िया सा एक छोटा सा इन्होंने अपना चर्च सा बना रखा है, एक्चुअली चर्च तो नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि चर्च जो होते हैं तो बड़े बड़े होते हैं, एक्चुअली ये क्रिश्चियन का है तो मुझे इतना मालूम नहीं है। अभी यहाँ पर ये रिको, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, रिको डेलगाडो का हाउस था और भाई कैमरे में मेरे को नोटिस कर लिया गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं इनका कैमरा ही फोड़ दूंगा, निकल यहाँ से। एक कैमरे नोटिस कर रहा है ना, दूसरे थोड़ी करा है। अब यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई 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 भाई, दो दो कैमरे लगा रखे हैं घर के बाहर, घर कितना आलीशान सा लग रहा है। अब फटाफट इसको खोल कर देखते हैं, शायद से ना थोड़ा सा ओल्ड थीम का घर है ये, मतलब गेट वेट देखो आप, एकदम अलग ही तरीके के गेट लगा रखे हैं। तू भाई, हाँ जी पावर गाय, मैं हूँ, मैं टैटू बनवाने आया हूँ, मतलब कि टैटू बनाने आया हूँ रिको डेलगाडो के। ओके तो यहाँ पर, अरे नहीं 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 नहीं, वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप चेकिंग करवा के अंदर चले जाओ, मुझे नहीं करवानी चेकिंग, क्योंकि मेरे पास ये पिस्टल है, फिर अगर मैं चेकिंग करवाता ना भी मेरी बैंड बच जाती, तो मेरे पास और कोई फालतू सामान तो नहीं है ना, चक्कू वक्कू कुछ। ओके तो अभी फिलहाल मेरे पे कुछ भी नहीं है, तो मैं आराम से चेकिंग करवा सकता हूँ। पता नहीं भाई साहब इतनी सिक्योरिटी क्यों रखते हैं ये लोग। ओके तो भैया दोबारा गेट खोलो, तुम तो चले गए एकदम। हाँ जी मैं यूँ पी पावर नाम का वो बंदा जो कि टैटू बनाने आया हूँ रिको डेलगाडो के, फटाफट गेट खोलो और चेकिंग करो। तो यहाँ पर अभी इन्होंने हमारे दोबारा से हमारे लिए गेट खोल रखा। ओह भाई साहब क्या घर है भाई, इस बंदे का सामने घर देखो। ओके तो हमें चेकिंग करवानी है पहले, लो भाई चेकिंग कर लो, मुझे डर पता है किस बात का लग रहा है, देखो सिक्योरिटी देखो, चेक करने के लिए अलग बंदा है और इतने सारे बॉडीगार्ड खड़े कर रखे हैं, और भाई हर बंदे के पास AK-47 है भाई, बहुत ही गलत लेवल सिक्योरिटी, हम कैसे मारेंगे रिको डेलगाडो को। ओके तो अभी हमें इस बंदे के पीछे पीछे चलना है, इससे आगे नहीं जाना। ओ मेरे को मारने जा रहा है, इसने गन उठा के अपने कंधे पे रखी थी। अरे अरे क्या हो गया भाई साहब जी, नहीं ठुकरा मैं आपसे,
ओके भाई, लेफ्ट में काफी तगड़ी तगड़ी सिक्योरिटी गार्ड की कार भी खड़ी हुई है और अंदर एक सुपर कार भी खड़ी हुई है रेड कलर की, काफी अच्छी लग रही है वो भी। अभी ये भाई साहब जी पता नहीं हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। बाहर से घर जैसा लग रहा था ना, अंदर से वैसा है नहीं। मतलब क्या ये ड्रग डीलर को देखो भाई, इतना बड़ा घर लेकर बैठा हुआ है ये। ओ भाई साहब क्या खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा रखे इसने तगड़े तगड़े। भाई मेरे को तो काफी तगड़ा लग रहा है। तो अभी हमें फॉलो करना है कैटलिना डेलगाडो। ओके तो ये जो है कैटलिना डेलगाडो, ये रिको डेलगाडो की वाइफ है। ओके चलो ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ चलना है भैया हमें बताओ। तो ये जो है इसी के हमने पहले टैटू बनवाया था, मतलब कि मैंने नहीं बताया था, वो पी पावर ने बनवाया था, बट इसे पता नहीं है कि पी पावर की ड्रेस पहनकर अब हम आ चुके हैं। तो फटाफट लेकर चलो, अब ये हमें रिको डेलगाडो के पास छोड़कर आएगी। कहाँ पर जाना है भाई, मुझे डर पता है किस बात का लग रहा है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है और अगर मैंने एक रुपए की भी गलती करी ना, मैं भैया बहुत ही बुरा वाला मारेंगे सबके सब लोग। ओके तो ये पता नहीं अभी हमें कहाँ पर लेकर चल, रुक क्यों गई ये। ओके तो ये हमें कह रही है कि हमें रिको के ना नेक पे टैटू बनाना है, यानी कि गले पे टैटू बनाना है। और भाई साहब इसको पता नहीं है कि रिको के कहाँ पर टैटू बनने वाला है आज, तो फटाफट चलते हैं अभी, कहाँ जाना है यार। ओके तो रिको यहाँ पर तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है, बालकनी में हमें लेकर आई है। ओके तो यहाँ पर क्या बात होगी भैया। ओके तो ये कह रहे हैं कि मेरे को तुम्हारे साथ एक क्विक सेल्फी लेने, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे टैटू आर्टिस्ट हो। तो हमने कहा चलो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, सेल्फी ले लो। और यहाँ पर इसका मुंह देखो, सेल्फी लेने लायक लग भी नहीं रहा है भाई। मतलब कि एजेंट 47 के मुंह पे हमेशा ही गुस्सा रहता है, मतलब कि गुस्सा नहीं रहता, वो ना ऐसा रहता है जैसे हमेशा सीरियस हो। इसकी शक्ल देखो भाई तुम, कितना खतरनाक ही लगता है भाई, कैसे भी कपड़े पहना दो। ओके तो यहाँ पर अभी रिको डेलगाडो है कहाँ पर, हमें लेकर तो चलो उसके पास। भाई वैसे ये जो घर है ना भाई, बहुत तगड़ा है। अगर कसम से GTA होती ना, इनके घर में बहुत तगड़ा ही अटैक कर देता मैं। अभी आगे चलकर देखते तो शायद से अब ये वाला जो रूम है, ओ भाई सामने वाली वॉल देखो भाई, पूरी की पूरी गोल्ड की वॉल है। अंधा पैसा है इस बंदे के पास तो। और ये इसका ऑफिस है, इसका टेबल भी गोल्ड का है। सामने की तरफ में भाई पैसे ऐसे फेंक रखे जैसे कूड़ा, और लेफ्ट में गड्डियां ही गड्डियां पड़ी हुई है। ओके तो डेलगाडो जी मैं आपके टैटू बनाने आया हूँ, फटाफट आओ। ओके तो पहले अपनी शक्ल देखने गया मिरर में। ओके ओके तो शक्ल देखने नहीं गया, एक्चुअली ये बियर पीने गया है भाई साहब, क्या शौक है भाई इस बंदे के। ओके तो ये जो बंदा है ना, मतलब कि रिको डेलगाडो कह रहा है कि जिसने तुम्हें टैटू बनाया था ना, ये वो बंदा नहीं है, मेरे को अलग लग रहा है। लेकिन उसकी वाइफ एकदम गधैया ही है, वो कह रही नहीं ये वही बंदा लग रहा है मेरे को अब। लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं उसे मार के चेंज होकर आ चुका हूँ भाई। क्या यार क्या गधैया है इसकी वाइफ। तो चलो भाई अब फटाफट इसके टैटू बनाना। लेकिन यार मैं इसको मारूंगा कैसे, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मार तो मैं इसे बहुत ही ईजिली सकता हूँ टैटू वाली मशीन से, लेकिन यार इसका सिक्योरिटी गार्ड भी है, इसकी वाइफ भी यहीं पर खड़ी है। ओके तो हमें टैटू बनाना यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आ जाओ अंकल जी, आपके टैटू बना दूं मैं गले पे। ओके तो अभी मैंने इसको बोला ना कि एक जगह चुपचाप खड़े हो जाओ, और ये चीज बोलते ही सामने वाले बंदे ने गन निकाल ली। अबे भाई तुम क्या खतरनाक हो भाई, बंदा कोई कैसे बना देगा टैटू यार इतनी ज्यादा चौड़ में। वो तो भाई एजेंट 47 भाई किसी से डरता नहीं है, तो उसे कोई दिक्कत की बात है नहीं यहां पर। और ये चुप ही नहीं हो रही इसकी वाइफ, यार ये लोग बाहर कैसे जाएंगे। इन दोनों को मुझे बाहर करना पड़ेगा। इसकी वाइफ तो यहां से बाहर जा चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इसका सिक्योरिटी गार्ड है वो यहां से बाहर जाएगा। ओके तो ये शायद से ना खुद ही बोल रहा है, तू बाहर जा, मैं अकेले यहाँ पर बैठ के टैटू बनवा रहा हूँ। ओके ये काफी सही काम कर रहा तूने रिको, अब देखते रही कैसे मैं बैंड बजाऊंगा। अब यहाँ पर इसके बॉडी गार्ड को इसने खुद ही बोल दिया कि तू बाहर चले जा। वाह भाई क्या सही काम कर दिया। चल भाई ये जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा वैसे इसके टैटू बन जाएगा असली वाला। अब देखो बेटा कैसा टैटू बनाता हूँ मैं। चल 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 तू बाहर चल, बाहर चल, आ जा भाई बना दू टैटू, ले तेरे टैटू की ऐसी की तैसी भाई। ओ कान के अंदर डाल दी भाई सब टैटू बनाने वाली मशीन, और इतना बुरा मारता है ना भाई, बंदे की आवाज भी ना निकले। अब यहाँ पर ना मेरे को उसकी बॉडी छुपानी पड़ेगी, लेकिन यार छुपाने के लिए कोई जगह है कि नहीं है वो देखनी पड़ेगी। ओके तो यार ओ एक सेकंड रुक जाओ, अगर मैं टेबल के पीछे इसकी बॉडी यहाँ पर छोड़ दूंगा तो शायद से किसी को ना मिले और सारा का सारा काम जो अपना एकदम आसान हो जाएगा। तो इसकी बॉडी मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ ताकि सब बंदों को लगे कि मैं ना अंदर बैठ के टैटू बना रहा हूँ। ओके 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 मैं साइड से निकल लेता हूँ, उनको शक ना हो। ओके तो मैं इनसे ना टक्कर खा गया हूँ थोड़ी सी, लेकिन इनको फिलहाल अभी शक नहीं हो रहा। ओके तो यही टाइम है यहाँ से फटाफट बाहर निकलने का, लेकिन अब मुझे कहाँ जाना है ये ढूंढना पड़ेगा। ओके तो मैं एक कैमरे में नोटिस हो चुका हूँ कि यहाँ से मैं बाहर निकल गया, बट यहाँ पर सबसे सही चीज़ ये हुई कि रिको डेलगाडो को हमने ऐसे मारा किसी को पता भी नहीं चला। ओके तो अभी हमें कहाँ जाना है मुझे ये देखना पड़ेगा, और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना मेरे को ये पहचान सकते हैं। ओके तो यहाँ पर सामने की तरफ में दो बंदे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, हमें इनकी बातें सुननी पड़ेगी और ऐसे सुननी है कि इन्हें शक भी ना हो कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। क्योंकि पहले तो मेरे को ना इस बंदे का पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना इसकी ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए ही चाहिए। और जैसे ये नीचे जाएगा वैसी मार के मैं इसकी ड्रेस ले लूँगा, और यहाँ पर किसी को शक तो नहीं होगा ना। ओके तो चल 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 तेरी ऐसी कि तैसी मार दूँ कैसे, थोड़ा सा और तेरी ऐसी कि साले
हमें सिखाएगा तू, चल निकल यहाँ से। कोई बंदे को थोड़ा शक हो रहा है, लेकिन अगर मैं फटाफट से ना इसकी ड्रेस ले लूँगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ड्रेस नहीं ली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब फटाफट से मैं ना यहाँ से निकल लेता हूँ और आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैंने इसे मारा क्यों है। ओके, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ताकि किसी को मेरे पे शक ना हो। तो ये जो रूम है ये किचन है टाइप से, और यहाँ पर एक बंदा आया। ओके, तो अब मैं आपको ना पूरी स्टोरी पहले समझाता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये जो रिको डेलगाडो है ना, इसका एक छोटा भाई है हेक्टर जिसका नाम है। तो उस हेक्टर नाम के बंदे ने एक लव लेटर लिखा था एंड्रिया मार्टिनेज के, जो कि हमारे लिए तीसरा टारगेट है जिसे हमें मारना है एंड्रिया मार्टिनेज को। तो उसने लव लेटर लिखा था एंड्रिया मार्टिनेज को। तो वो जो लव लेटर ना, ये जो आप बंदा देख पा रहे हो, ये मतलब कि किचन में आया हुआ है खाना चेक करने की कैसा बना रहे हैं। तो इसी के पास वो लव लेटर है। तो पहले हमें इससे वो लव लेटर छीनना है और ले जाकर देना है एंड्रिया मार्टिनेज को, और उसके बदले उसकी जान ले लेनी है। अब देखते हैं यार भाई, मतलब कि यार अमीरों की यार एकदम अलग ही लेवल सिक्योरिटी होती है। मतलब कि आप देख पा रहे हो, एक बंदा उन्होंने स्पेशल भेजा कि जाओ देख के आओ खाना कैसा बना है, खाने में कुछ कमी है कि नहीं है, सब कुछ चेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इस बंदे को मेरे पे शक हो रहा है क्या? वो इसको भी मेरे पे शक हो रहा है भाई। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को एकदम नॉर्मल खड़े रहना था। ओके, मैंने कुछ नहीं करा भाई साहब, मैंने कुछ, इसको मेरे पे शक हो रहा है थोड़ा सा। तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर, ओ भाई, उसकी बॉडी इन लोग को मिल गई है। ओके, तो उसकी बॉडी यार यहाँ पर इन लोग को मिल गई, और मुझे ना थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा ताकि इन लोग को ना बिल्कुल भी मेरे ऊपर शक ना हो। और यार मुझे ना जैसे तैसे इस बंदे को मार के इससे लव लेटर लेना है ताकि अपना काम जो है एकदम आसान हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इस बंदे को मेरे पे शक हो रहा है। तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से साले, तेरे ऐसे की तैसी लव लेटर दे इधर, चल। ओके, तो यहाँ पर अभी मरा नहीं है, निकल निकल निकल। ओ भाई, गड़बड़ 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 गड़बड़, शिट 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 शिट, इस पे लव लेटर उठाता हूँ मैं फटाफट, यहाँ से निकल लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, अगर मामला ठंडा होगा तो काफ़ी सही, अगर वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जितने बंदे, ऊपर से ही बंदे आ गए, मैंने कुछ नहीं करा भाई साहब, मैं तो यहाँ पर अपना खुद बंदे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ का मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे कोई नहीं मारेगा, मेरे को यहाँ से जैसे जैसे करके बाहर निकल जाना है। अगर मैं एक बार बाहर निकल गया सब कुछ हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा। तो भाई साहब मैंने कुछ नहीं करा भाई, इसको भी मेरे पे शक हो रहा है, हर बंदे को मेरे ऊपर शक हो रहा है भाई कि ये बंदा भाग तो क्या जा रहा है। मतलब कि इनको जैसी रिको डेलगाडो की बॉडी मिली ना भाई, इन लोग ने सबको मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है पीछे को। ओके ओके ओके, पीछे भी एक बंदा मेरे भाई, सब लोग को शक हो रहा है। बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहाँ से बाहर निकल जाए। तो भाई मैंने ना फटाफट से लव लेटर उठा लिया था, मेन जो चीज़ थी वो हमने कर लिया। अगर वो चीज़ वहीं पर रह जाती तो भैया मिशन फेल हो जाता। ओके, तो भी यहाँ पर भाई ये लोग अभी भी तलाश रहे हैं कि रिको डेलगाडो को आखिर मारा किसने, क्योंकि रिको डेलगाडो के रूम में ना सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। तो फटाफट यहाँ पर अभी हम मार के निकल चुके हैं, और यहाँ पर एक भाई साहब जी सो रहे हैं। तो भी मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है, अगर मैं एक बार ना ड्रेस बदल जाऊँगा तो सारा का सारा मामला एकदम शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया एंड्रिया मार्टिनेज का घर, भाई कितना तगड़ा घर है। तो यहाँ पर हमें इस, ओके ओके, इस बंदे को मेरे पे शक हो रहा है जो फौजी सामने खड़ा हुआ है। अरे भाई भाई भाई, मैंने करा क्या ऐसा? ओके, तो मेरे से लव लेटर ले लो भाई, तुम उसको दे देना एंड्रिया मार्टिनेज को। तो भाई ये जो बंदा है ना, ये हमें कह रहा है कि जो एंड्रिया मार्टिनेज है ना, वो हेक्टर से चिढ़ती है, और ना ही वो उसका लव लेटर लेती है, ना ही उसका कोई गिफ्ट लेती है। तो तुम यहाँ से चले जाओ, यही बेटर है। अब यहाँ पर एंड्रिया मार्टिनेज है का, तो हमें जैसे तैसे करके जो लव लेटर है ना उस तक पहुँचाना है ताकि वो इसे पढ़े। अब पता नहीं क्यों पहुँचाना है, लेकिन पहुँचाना है। अब हमें ना इस लव लेटर के थ्रू हम उस तक पहुँच सकते हैं, मेन हमें उसे मारना है, ये काम जरूरी नहीं है। और ये बंदा कह रहा है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे यहाँ तो बहुत ही बुरे वाले पिट जाओगे। ओके, तो मैंने कहा चलो यार हम निकल ही लेते हैं, उससे बढ़िया, मतलब कि यार हमें कैसे पहुँचेंगे। एंड्रिया मार्टिनेज फिलहाल अभी अपने घर में ही है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं जैसे तैसे करके उसके घर के अंदर एंटर हो जाता हूँ। और यहाँ पर राइट में फुल एकदम डीजे वीजे चला रखा है, पता नहीं किसी ने अपने घर में। तो यहाँ पर ये दीवार टूटी हुई है, तो हम घर के अंदर एंटर तो हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा बाहर खड़े होकर टिकटॉक चला रहा है। इसके मतलब घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए बाहर खड़े होकर टिकटॉक चला रहा है। वाओ, तो अभी हमें घर के अंदर एंटर हो जाना है। ओ भाई, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक सेकंड रुक जाओ। तो इस सिक्योरिटी गार्ड को मैं कैसे मारूंगा? एक मिनट रुक जाओ, हाँ अब आएगा भाई कॉइन का यूज़। एक मिनट, एक कॉइन लेता हूँ, ये चिल्लर बटोर ने कन्फर्म आएगा पीछे। ओके, तो फटाफट चिल्लर बटोर ने एक बार ना पीछे आ जाओ जल्दी से। अब यार एक गलती मैंने पता क्या करी, रिको डेलगाडो के घर के बाहर मैंने अपनी पिस्टल ड्रॉप करी थी, मैं उसे उठाना ही भूल गया क्योंकि जल्दबाजी थी, डर भी लग रहा था, इस वजह से दिक्कत होगी। अब ये बंदा यहाँ पर भाई कमांड दे के आया कि पीछे की तरफ आवाज़ आई है, मैं वहाँ चेक करने जा रहा हूँ। इधर आ, तेरी आवाज़ की ऐसी कि तैसी साले, निकल निकल निकल। अब इसकी ना फटाफट से पहले मैं ड्रेस सी होगी, अभी मरा नहीं है, चल तेरी ऐसी की तैसी। ओके, तो सबसे पहले ना इसकी ड्रेस लेता हूँ। ओ भाई, एक तो ये लोग म्यूजिक इतना खतरनाक बजा देते हैं ना भाई, डर सा लग जाता है। अब यहाँ पर फटाफट ना इसकी बॉडी में इसके अंदर लगा देता हूँ ताकि किसी को मिले ही ना और किसी को शक ही ना हो। अब सबसे सही चीज़ ये हो चुकी है कि यहाँ पर हमें इसकी ड्रेस मिल चुकी है, और यहाँ पर ना एक पिस्टल भी पड़ी है इसकी, मैं पिस्टल भी उठा लेता हूँ, काफ़ी क्या पता बाद में काम आ जाए। ओके, तो यहाँ पर इनमें पिस्टल भी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सीढ़ी ऊपर को जा रही है, और एंड्रिया मार्टिनेज अभी घर में नहीं है, वो घर के बाहर गई है क्या? ओके, तो यहाँ पर एक रूम है जिसके अंदर एक प्लेट सी पड़ी है, और कुछ बंदे सामने हैं जो कि शायद मेरे को देख ना ले। ओके, वो मेरे को बंदा देख रहा है, अंदर जाके देखता हूँ यार, क्या पता हो जाए काम डन, चुपचाप से एंटर हो जाते हैं। ओके, तो एजेंट 47 फिलहाल अभी चुपचाप से अंदर तो एंटर हो चुका है, और यहाँ पर हमें उसका लव लेटर रख देना। ओके, तो ये जो लव लेटर हमने चुपके से यहाँ पर रख दिया, और एक बंदा पीछे चेक करने आ रहा है। ओ भाई, इधर मत आइयो प्लीज़,
इधर मत आइयो, मैं फटाफट यहाँ से बाहर निकल लूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ओके तो मैं यहाँ से बाहर निकल ले रहा हूँ। निकल भाई पिट। अच्छा वैसे तो अभी मैं ना इन्हीं लोग की ड्रेस में हूँ तो मुझे डरने की थोड़ी बात है, क्योंकि यार मैं जो एंड्रिया मार्टिनेज़ की बॉडीगार्ड है ना उन्हीं की ड्रेस पहन रखी है मैंने अभी, तो मेरे को कोई डरने की बात नहीं है, मैं घर में नॉर्मली घूम सकता हूँ। मैं पता नहीं क्यों मतलब मैं डर रहा था इतना। तो एंड्रिया मार्टिनेज जो अपने घर के अंदर आ चुकी है, अब वो ना सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही है। ये देखो अभी वो जैसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएगी, लेकिन यार यहाँ पर ना उसका एक जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही घूम रहा है। और यार यहाँ पर मैं इसे मारूंगा कैसे, क्योंकि सामने ना एक लड़की खड़ी हुई है और लेफ्ट में उसका बॉडी गार्ड भी है, और ये लव लेटर तो पढ़ लेगी, लेकिन हमें इसे मारना कैसे है वो देखने की बात है। ओके तो ये उसी चीज़ की बात कर रही है कि ये हेक्टर का जो लेटर है ये यहाँ पर पहुँचा कैसे, और इसी चीज़ को देख के वो चिढ़ रही है। अब पता नहीं क्या करेगी, लव लेटर फाड़ के फेंकेगी, पता नहीं क्या करेगी। जो भी है जैसे तैसे करके से बस मारना है हमें, क्योंकि ये अपनी सेकंड टारगेट है। ओके तो ये भी इसको ना समझ नहीं पा रही कि ये जो लव लेटर ना यहाँ तक पहुँचा कैसे, किस पागल ने रख के चला गया कोई। तो यहाँ पर भी इसने लव लेटर उठा के अपनी पॉकेट में डाल दिया, और यहाँ से ये कहाँ जा रही है। ओके 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 ये पीछे की तरफ निकल गई है अपना, और यहाँ पर एक डोर है जिससे बाहर निकल गई। आ जा आ जा आ जा, अब ये बाहर आ गई, इसके सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं आएंगे ना बाहर। ओके तो ये बाहर आके देखना पड़ेगा करके आ रही है, गेट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए हैं। ओके तो ये लेटर उठा के पढ़ रही है, मेरे को ना फटाफट इसके पीछे जाना एकदम चुपचाप से। एक मिनट तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। मेरे को ना इसे मारना नहीं था, मेरे को उसको ना पानी के अंदर ही ढकेल देना था। चलो अभी फिलहाल मैंने इसको मार तो दिया, मैंने इसे उठा के फेंक देता हूँ पानी में, निकल यहाँ से, ताकि ना कोई देखेगा ही नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। और ये नदी ऐसी जगह है जहाँ पर इसकी बॉडी भी किसी को मिलने नहीं वाली। तो चलो भाई यहाँ पर तो भाई काफी खतरनाक तरीके से काफी आसानी से इसको हमने मार दिया भाई। मार्टिनेज़ को तो बहुत ही बुरे वाला दिमाग लगा के मारा, और फटाफट जिस रस्ते से ऐसे उसी रस्ते से निकल लेते ज्यादा बेटर। गेट से जाएंगे तो क्या पता किसी को शक हो जाए। ओके तो इस बिचारे को मैंने गलत ही मार दिया, अपना चुपचाप टिकटॉक चला रहा था। अब यहां पर एक बंदा और बचा जो कि अपना तीसरा टारगेट है, एक्चुअली वो दूसरा टारगेट था होरे फ्रैंको, तो अब हमें उसे मारना जो कि मेन ड्रग डेवलपमेंट का काम करता है। ओके तो वहां पर हम उसको कैसे मारेंगे वो देखने वाली बात है। और भाई साहब कहां पे चढ़ के बैठे हो, मुंह के बल ही गिरोगे। ओके तो यहां पर ना ये वाले घर के अंदर मुझे यहां पर एक शॉप है, इस शॉप के अंदर कुछ है तो नहीं फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर यार मैं ढूंढ रहा हूँ काफी देर से, लेकिन अभी तक ना कोई भी क्ल्यू तो मिला नहीं है। अब यहाँ पर इस घर के अंदर चल के देखते हैं। ओके तो क्ल्यू मिल गया गाइस, यहाँ पर ये कोई बंदा है जिससे कोई बातें कर रहा है, मतलब ये दोनों लोग ही पहले तो सिगरेट पी रहे हैं और आपस में पता नहीं किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे सुनना पड़ेगा। तो भाई ये जो बंदा है ना इसकी मैंने पूरी की पूरी बातें सुन ली, और मुझे ना इसके बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। तो ये जो बंदा है ना मेन ना ये ड्रग्स पता नहीं बेचता है, तो यहाँ पर ना ये ना ड्रग्स का सैंपल लेकर आया है होरे फ्रैंको के लिए। अब ये ना उसको पहले चेक करवाएगा। ओ भाई ये बंदा मेरे पे शक कर रहा है, एक बारी ना पहले मेरे को नीचे जाना पड़ेगा फिर बताता हूँ। तो ये जो है ना मेन ना ड्रग्स की सप्लाई करता है पूरे पूरे मतलब कि पूरे ग्लोब में घूम घूम के। अब फटाफट चल के ना इसको हमें मतलब कि ना यहाँ पर भी ड्रग्स लेकर आया हुआ है, तो उस ड्रग्स के अंदर ना हमें कुछ ऐसी मिलावट करनी है जिसको खा के होरे फ्रैंको मर जाए, या फिर उसे कुछ ऐसा हो जाए कि हम उसे मार पाए। मतलब कि इस बंदे के थ्रू हम होरे फ्रैंको तक पहुँच सकते हैं, और अगर हम उसके पास पहुँच सकते हैं तो बेटा उसकी हेकड़ी भी बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कमरे के अंदर मैं यहाँ से एंटर हो जाता हूँ, लेकिन यार इसने अंदर से ना रूम क्लोज कर रखा है। ओके तो अंदर से कुंडी लगा रखी है, और यहाँ पर एक विंडो है जिसमें बंद है वो विंडो भी, और ये वाली विंडो खुली है, लेकिन ये भाई साहब जी यहाँ पर बैठे हैं। तो रुक जाओ यहाँ पर भिखारियों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, एक मिनट रुक जाओ। एक सेकंड, मेरे को ना एक सिक्का आगे की तरफ में फेंकना पड़ेगा ताकि इसे लगे कि कुछ गिरा है। चलो वहाँ पर एक सिक्का गिरा भी लेने जाएगा। ओके तो ये सोच रहा है ऊपर से गिरा है, लेकिन इसको पता नहीं मैंने पीछे से फेंका है, और यही टाइम है कमरे के अंदर एंटर होने का। भाई साहब एजेंट 47 अलग ही लेवल बंदा है। अब यहाँ पर अंदर किस लिए आऊँ मेरे को पहले तो ये देखना पड़ेगा, और ये बंदा अंदर तो नहीं आ रहा ना मुझे मारने। ओके तो ये जो इसका रूम है यार फिलहाल इसके अंदर तो कुछ भी काम का नहीं दिख रहा है। एक यहाँ पर अलमीरा जिसके अंदर हम छुप सकते हैं, और यहाँ पर एक कुछ ना पड़ा हुआ, और ये बंदा बाहर ही घूम रहा है, अंदर तो नहीं आएगा ना। ओके तो ये नीचे की तरफ में जा रहा है, चलो सही है। अब यहाँ पर ना एक ये खिलौना पड़ा हुआ है, मतलब कि ब्रोकन कोकेन। ओके तो ये जो है ना मतलब कि खिलौने के अंदर अपना कोकेन यानी कि जितना भी इनका जो ड्रग्स होते हैं इसके अंदर डाल के ये लोग अपना भेजते हैं, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर ही मिलावट करनी है, तो हमें पहले पॉइजन मिलाना है इसके अंदर और एक ग्लू मिलानी है। चलो अच्छा नहीं, पॉइजन इसके अंदर हमें मिलाना है और ग्लू से रिपेयर करना है। अभी तो फिलहाल किसी भी बंदे को हम पे शक नहीं हो रहा, तो अभी हमें दो चीज़ों की जरूरत है, पॉइजन और ग्लू की, क्योंकि पॉइजन इसके अंदर मिला देंगे और जैसे ही वो बंदा चेक करेगा इसे उसके पेट में गड़बड़ होगी, और उसका फिर हम कर देंगे जीना आराम, और ग्लू से मिलाकर इसे जोड़ देंगे। और फटाफट सबसे पहले हमें ग्लू ढूंढनी है, और यहाँ पर नीचे एक शॉप है। चलो भाई नीचे ही शॉप थी, और यहाँ पर तो एक नलका लगा हुआ है, और ओ भाई ये पड़ा यहाँ पर, अभी हमारा फ्री में ही जुगाड़ हो गया। चलो भाई
तो भाई साहब पॉइजन मेरे को लग रहा था मुझे खरीदनी पड़ेगी शॉप से, लेकिन मैं उसकी शॉप से चुरा कर ही ले आया क्योंकि दुकान में शॉपकीपर था ही नहीं। अब इस रूम के अंदर तो कोई नहीं है ना, चलो रूम के अंदर तो कोई नहीं है, फटाफट इसके अंदर हम मिला देते हैं पॉइजन को। चलो भाई जल्दी से घुसेड़ दो भाई। इसने कोकेन का डब्बा ना खुला हुआ रखा हुआ था क्योंकि इसके अंदर अभी ने शायद से बना ही रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, मुझे नहीं मालूम यार इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी फटाफट आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि ग्लू जो है ना वो कह रहा कि वहाँ पर एक शॉप है जिसके अंदर हमें ग्लू मिल जाएगी। चलकर देखते हैं। और इस शॉप का नाम भाई क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज चलती है कोलंबिया में। अब यहाँ पर ये है शॉपकीपर। ओ हो अंकल जी ग्लू चाहिए थी मेरे को 5 रुपए वाली फेविकोल। ओके ओ शिट यार ये कह रहा है कि लास्ट, ओ भाई अपनी किस्मत खराब है। तो कह रहा है जो लास्ट पीस पड़ा हुआ था वो भी अभी मैकेनिक है सामने, वो अभी अभी खरीद के ले गया है। तो यहाँ पर हमें ना इससे पूछना पड़ेगा, हमें देगा तो ठीक है, तो मेरे को इससे बात करनी पड़ेगी। अंकल जी मेरे को ग्लू चाहिए यार जो अभी आप खरीद के लाए हो ना, तो मेरे को एक डब्बा सा जोड़ना है। भाई साहब मना कर दिया इसने मेरे को, तेरी ऐसी की तैसी। मैं इससे ग्लू तो छीन सकता हूँ लेकिन यार ये जो लड़की है ना सामने की तरफ में खड़ी हुई है तो मुझे इसे मारना पड़ेगा। इधर आओ रेंच दो मेरे को, ये रेंच शायद इसी को मारने के लिए धरा हुआ है यहाँ पर। अब इस भाई सिगरेट पी रही है यहाँ पर आकर, अब मैं इसे बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, पहले मैं इसे यहाँ ड्रॉप करता हूँ एक मिनट, ये देखने आएगी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गिरा है, आ जा चेक करने फिर मैं बताता हूँ तेरे को। ये शायद से उसकी वाइफ है या फिर पता नहीं, ये भी उस शॉप में ही काम करती होगी, बट जो भी है इसे तो मारना है क्योंकि ये वहाँ पर खड़ी हो। और इधर आ इधर आ, कौन है पता भी है तेरे को? ओके तो फटाफट इसे उठाकर मैं नीचे फेंक देता हूँ पानी में, अब बस कोई देख ना ले, जल्दी से इसका खेल खत्म कर दिया मैंने भी इस लड़की का। चल निकाले यहाँ से पानी के अंदर। ओके तो फटाफट से वापस से मैं पहले रेंच उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर ये रेंच मैं इसके फेंक के मार दूँ क्या? अगर फेंक के मैंने इसे मार दिया ना तो अपना काम एक ही बार में डन हो जाएगा। कोई है तो नहीं ना यहाँ पे? ओके तो यहाँ पर कोई है नहीं तो मुझे कोई डरने की बात तो है नहीं, बट बगल वाली शॉप में एक बंदा, तेरी भैंस की निकल साले। चले एक ही बार में इसका खेल खत्म कर दिया। अब यहाँ से हमें इसके पास से ग्लू मिल गया और मैं इसकी बॉडी ठिकाने नहीं लगाने वाला क्योंकि छोटे मोटे बंदों को ना कोई नहीं देखने आता, बाकी जो बड़े बड़े बंदे होते हैं ना उनकी बॉडी तुरंत मिल जाती है और भाई उनके सिक्योरिटी गार्ड बैंड बजा देते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से चलते हैं उस बंदे के घर में जो कि किराए पे रह रहा है, जो कि मतलब बाहर से आया ड्रग्स सप्लाई करने। अब यहाँ पर उसका जो कोकेन है ना उसके अंदर हमें ये ग्लू मिलाकर उसका जो डब्बा है उसे जोड़ना है क्योंकि उसके अंदर हमने मेन जो सामान था वो तो मिला दिया, मतलब कि जो जहर था वो मिला दिया है। अब फटाफट अंदर एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर इसको मैं जल्दी से जोड़ देता हूँ, कोई आ तो नहीं रहा ना, और हमें ना उसको मारना भी पड़ेगा क्योंकि हमें उसकी ड्रेस चाहिए। तो लो भाई इसको मैं जोड़ देता हूँ फटाफट से। ओके तो इसने ये ग्लू व्लू लगाई और ये डब्बा जुड़ गया, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। ओके अब यहाँ पर लेकिन मैं उस जिंदे को बुलाऊंगा कैसे? जो वो तो नीचे वाले फ्लोर पर है, मेरे को उसकी ड्रेस चाहिए। एक काम करता हूँ यहाँ पर ये अलार्म रखा है। ओके तो मुझे अलार्म बजाना है। अब जैसे मैं अलार्म बजाऊंगा ना वो बंदा कन्फर्म यहाँ पर इसे चेक करने आएगा, मैं अंदर छुप जाता हूँ एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि वो जैसे उसे चेक करने आएगा ना उसे मारेंगे। लेकिन उसका दोस्त बाहर बैठा हुआ था, पहले वो आ रहा है चेक करने। अबे यार पहले उसको आने देता भाई तू, इसको ज़्यादा जल्दी मची है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको मार देता हूँ इधर साले। तू अलार्म ऑफ करने आएगा, पूछ बोला तेरे किसी ने? अहवे बोला तेरे किसी ने? निकल यहाँ से, इसकी गर्दन तो गई। अब यहाँ पर इसका दोस्त भी मेरे को लग रहा आएगा, तो यहाँ पर ना एक बार वो इसका दोस्त क्यों नहीं आया? एक मिनट जो अलार्म बंद करके दोबारा बजाता हूँ क्योंकि उसे लग रहा हो क्या पता इसने ऑन करा है। तो ले भैया अलार्म मैंने दोबारा से बजा दिया, क्या पता इसका दोस्त भी फटाफट आ जाए। इसका दोस्त जो है ना नीचे वाले फ्लोर पे है तो शायद से ना उसको अलार्म का साउंड जा नहीं रहा होगा। अब वो जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे आएगा ना तो उसको अलार्म का साउंड आएगा और वो अलार्म बंद करने जैसे ही रूम में आएगा उसका भी खेल खत्म कर देंगे। जब तक मैं इसकी बॉडी ना इसके अंदर ठिकाने लगा देता हूँ ताकि उसको कोई शक ना हो। चलो यहाँ पर इसकी बॉडी इसके अंदर लगा दी मैंने, इसका दोस्त अभी तक तो आया नहीं ऊपर। अबे जल्दी आ यार इतना टाइम नहीं है मेरे पे। ओके तो वो ऊपर चढ़ के आ रहा है, चलो रुक जाओ रुक जाओ। मैं अगर यहाँ पर छुप जाऊँगा ना तो मैं उसके एकदम पीछे से अटैक कर सकता हूँ और वो जैसे ही अलार्म को बंद करने जाएगा वैसे उसकी पीठ पे घुसा पड़ेगा। ओके तो गाइस वो ऊपर आ चुका है, अब वो जैसे गेट खोल के अंदर आएगा, गेट इधर का खुलेगा उसको मैं बिल्कुल नहीं नजर आऊंगा और वो जैसे ही अलार्म बंद करने जाएगा वैसे ही मैं उसे मार दूंगा। ओके तो ये अंदर आ गया अलार्म बंद करने, एक मिनट रुक जाओ, वो इसने मेरे को देखा नहीं। चल 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 पहले मैं गेट बंद कर दूं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आओ भाई साहब जी, हेलो पीछे देखो पीछे। ओके तो खत्म करते हैं इसका भी खेल यहाँ पर, निकलो यहाँ से। चलो अब यहाँ पर मेन हमें इसकी पहले तो ड्रेस चाहिए और इसके पास ना यार कुछ भी मेरे को तो नहीं लगता कोई काम का सामान भी है। ड्रेस हमें इसकी मिल चुकी है, बस ड्रेस ही इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट से ना इसको इसकी भी बॉडी ठिकाने लगा देता है। चल बेटा अंदर चल भाई, बेचारा पता नहीं कौन से देश से आया था, लेकिन भैया गलत काम करोगे तो एजेंट 47 से नहीं बचने वाले। तो यहाँ पर इस बंदे को भी हमने मार दिया है। अब इसकी ड्रेस तो हमने ले लिया, अब देखते हैं भैया कहाँ पर जाना है। तो अभी हमें वैसे जाना है ना होरे फ्रैंको के पास, जो कि यहाँ का आखिरी बंदा, जो कि मेन डेवलपमेंट का काम करता है। जितना भी कोकेन बनता है सारा का सारा वही बनाता है और मतलब कि मेन उसी के पास आता है सारा का सारा, और वो चेक करता है।
अब यहाँ पर वो इस सीक्रेट केव में रहता है और अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मुझे चेकिंग करवानी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाओ यार, ये मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। मैं अपनी ना गन्स पिस्टल है मेरे पे एक एक्चुअली, तो उस पिस्टल को ना मैं यहाँ पर पहले चुपचाप ड्रॉप कर देता हूँ ताकि इनको ना कुछ लगे ना। तो ये है पिस्टल, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। काश यार मैं पिस्टल लेकर अंदर जाता और जाकर ठैं करके उसे मारता सीधा। तो यहाँ पर अभी मैं अंदर जा सकता हूँ ना, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पे कोई फालतू सामान तो नहीं है ना। ओके, तो मेरे पे कुछ भी नहीं है, तो मैं वही कोकेन वाला बंदा हूँ भाई साहब जी, मैं वहीं से आया हूँ। ओके हाँ, मैं यूरोप से आया हूँ। ओके, तो ये अभी मेरे को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भाई हमें चेक करके कहाँ पर ले जाने वाले हो भाई। मतलब चेकिंग वेकिंग फुली तगड़ी होती है। और ये जो बंदा कहाँ पर रहता है भाई, ये गुफा देख पा रहे तुम? ओके ओके, तो सब कुछ ठीक है, ये कह रहा है सब कुछ ठीक है, जा सकते हो आप अंदर। तो भाई ये बंदा कह रहा है कि मैं पहले फ्रैंको से पूछूंगा फिर ही तुम अंदर जाओगे। तो यहाँ पर भी इस बंदे ने फ्रैंको से पूछ लिया कि एक बंदा आया आपसे मिलने, उसको अंदर आने दे। मतलब कि पहले एक तो इन्होंने चेकिंग भी कर ली, उसके बाद फ्रैंको से भी पूछ रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी तो इस फ्रैंको की है। यहाँ पर ये रहता भी कितनी खतरनाक जगह पे, मतलब यार इतनी अच्छी जगह है ना यार भाई, मतलब पत्थर वत्थर पहाड़ों के बीच में इन्होंने अपनी ये केव है उसके अंदर ये लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। अगर पुलिस वाले भी आ जाए ना भाई, उन्हें भी ना पता चले। और भाई यहाँ पर ना पुलिस वगैरह वाले आने से भी डरते हैं, इसीलिए एजेंट 47 आया इन लोग का काम खराब करने। और फटाफट से कहाँ पर जा रहा है? ओके, तो उसने ये वाला गेट खोल दिया। ओ भाई कितनी तगड़ी केव है ये, यहाँ पर आप देख रहे हो पानी वानी कैसे गिर रहा है। और यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर है सारी बीच में जा रही है, अगर एक वायर में भी मतलब कट गई तो भाई पूरे में करंट फैल जाएगा, इनको इस चीज़ का डर नहीं है भाई। क्या खतरनाक जगह पर रहते हैं भाई ये लोग। ओके, तो हो रहे फ्रैंको अंदर है भी। ओके, तो हो रहे फ्रैंको अंदर सामने की तरफ में है। तो यहाँ पर मेरे पे कोई बंदा ना शक ना करे, अगर किसी बंदे ने शक करा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जो खिलौना है ना जिसके अंदर हमने अपना कोकेन भरा हुआ और पॉइजन भरा हुआ है, तो ये जो है मैं उसे हो रहे फ्रैंको को जाकर देना। ओके, मैं जा सकता हूँ? चलो ठीक है, इसने बोला आप अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हो रहे फ्रैंको सामने से आ रहे हैं। अरे हो रहे फ्रैंको सर जी कैसे हो, पहचाना क्या मुझे? हेलो, तो हो रहे फ्रैंको ऐसे हमें कैसे पहचानेगा? ओके, तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि तुम बस मेरे पीछे आओ, आगे चलकर मैं बात करते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से आ रहा था भाई, मतलब इसकी हालत देख रहे हो? लेकिन भाई पैसा पता है इस पर भर के होगा, तुम सिक्योरिटी गार्ड ही देख लो। मेन ये जो जगह ना, यहाँ पर इनका जो मेन कोकेन है सारा का सारा डेवलप होता है यहाँ पर भाई। मतलब देख रहे हो ये वाली कार थी है जो भी हम लेकर आए हैं भाई, मतलब डब्बे डब्बे भरे हैं और ये पता करोड़ों से भी ज़्यादा का माल है। तो कह रहा है कि जो तुम लेकर आए हो ना पहले उस मॉडल को यहाँ पर रखो, अब ये चेक करेगा, मतलब हल्का सा ना टेस्ट करके देखेगा कि कैसा है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने लेकिन पॉइजन मिला रखा है, तो इसकी हालत बेटा बहुत बुरी होने वाली है। और अब बेटा तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता है। यहाँ पर जितने भी चेले चपाटे खड़े कर रखे हैं ना, इनको भी मारूंगा, टेंशन मत ले। ओ इसने अच्छा तोड़ा है भाई, मैं कहूँ ये क्या करा अभी इसने, तोड़ के उसके अंदर से सारा का सारा निकाल लिया। अभी टेस्ट करके देख रहा है भाई कैसा है, इसने टेस्ट तो कर लिया भाई, निकल गया बुढ़ा वो, इसको तो कुछ असर ही नहीं हुआ, मैंने उसके अंदर रैट पॉइजन मिलाया था भाई। क्या हो रहा है, मैं अपना यहाँ पर ना हाथ रख देता हूँ, एक मिनट भाई क्या सीन है, मतलब इसे कुछ हुआ ही नहीं भाई, ये तो खा गया पूरा का पूरा। हुआ 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 बेटा, गया रैट पॉइजन ने अपना असर करा। और यहाँ पर इसके चलो बेटा कहाँ चलोगे अब, तुम्हारा खेल खत्म करना ही था मुझे। अब यहाँ पर इसको तो फिलहाल बहुत ही बुरे वाली मौत नसीब हुई है। अब ये कहाँ पर जा रहा है? ओके, तो यहाँ पर ये गैलरी में आया। ओके, तो ये गैलरी की तरफ में आया, इसको मार दूँ क्या? अबे तेरी है ठीक है, निकल यहाँ से, रुक जाओ, इसको इसको ढके लो, निकल बुड्ढे यहाँ से अंदर। अब मैं यहाँ से फटाफट निकल लेता हूँ, बुड्ढे को भी हमने यहाँ पर मार दिया भाई, बहुत ही खतरनाक। अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, बहुत ही बुरे वाला मारा है। अब यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में एक एग्जिट है और एक एग्जिट ना राइट की तरफ में है, तो हमें जल्दी से यहाँ से पहले निकल लेना भाई। सच्ची बता रहा हूँ, इस बंदे का तो बहुत ही बुरे वाला हाल करा। और यहाँ पर ना कुछ भाई, ये कौन घूम रहे हैं, ये मतलब कि एलियन वेलियन से बंदे जा रहे हैं पता नहीं। अच्छा यहाँ पर किसी चीज़, ओके ओके, यहाँ पर ना कोई फार्मिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये है इनका फार्म, मतलब कि यहीं पर ये लोग अपना ड्रग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर इनके सबसे बड़े बंदे को मैंने मार दिया है और अब इनको मेरे ऊपर शक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनको बॉडी भी मिल गई है उस बंदे की। ओके, तो इसको मेरे पे शक हो रहा है, निकलो 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 जल्दी से निकलो। और ये मेरा हेलीकॉप्टर, एजेंट 47 भाई जहाँ भी जाता है हेलीकॉप्टर में जाता है। तो चलो भाई, बाय बाय गाइस, हम पे क्या शक करोगे तुम। चलो गाइस, इसी के साथ हमने कोलंबिया के 3 लोगों को और निपटा दिया, जो कि ड्रग डीलिंग का, मतलब कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा इनका ड्रग डीलिंग का धंधा था। तो यहाँ पर एजेंट 47 यानी कि टकलू ने यहाँ पर इन लोगों को भी निपटा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाली है पेरिस पे, यानी कि एजेंट 47 जाएगा पेरिस। अब वहाँ पर पता नहीं कैसे गैंगस्टर है, कौन कौन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो फटाफट से इस वीडियो पे 80,000 लाइक कंप्लीट कर देना। अब मुझे पता है एम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप लोग से पूरी उम्मीद है आप लोग लाइक का बटन दबा के एम कंप्लीट कर दोगे। तो जाओ यार सभी लोग लाइक का बटन दबा दो, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और बिल्कुल भी मत भूलना नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसे जल्दी से दबा दो। और हाँ यार, जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जाओ यार जल्दी से फॉलो कर लो। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।